वसीम शेख के जन्मदिन पर मुख्तलिफ फ्रेंड ग्रुप ने गुलबर्गा हेडलाइंस के ऑफिस पर जन्मदिन सेलिब्रेट कर वसीम शेख को तहनियत पेश कर मुबारकबाद दी है। 13 अगस्त को वसीम शेख का जन्मदिन था और इस मौके पर वाजिद ताफिया, नासिर हुसैन, वाजिद एनआरआई के अलावा वसीम शेख के स्कूल फ्रेंड्स वसीम पाशा, नईम शेख और जावेद हुसैन के अलावा दिगर फ्रेंड्स मौजूद थे। तमाम लोगों ने वसीम शेख को तहनियत पेश की और जन्मदिन की मुबारकबाद दी है और वाजिद तापी और नासिर हुसैन ने गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए वसीम शेख के कारनामों को याद कर अप्रिशिएट किया और मजीद कामयाबी के लिए दुआ दी है। और साथ ही इसके अलावा अलसबा अरबियन मंदिर रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर जनाब अब्दुल कय्यूम ने भी अपने रेस्टोरेंट पर वसीम शेख का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज वसीम भाई हमारे गुलबर्गा हेडलाइंस का उनका बर्थडे है। उस बर्थडे के दौरान हम लोग सबको उनको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, नासिर भाई, अवैध भाई, उनके भोनी साहब और तकरीबन कई दोस्त अहबाब उनके साथ आज है ना मुबारकबाद के लिए उनके ऑफिस को आए हुए हैं। एक गुलबर्गा में एक नामचीन शख्सियत है हमारे वसीम भाई, जिसका गुलबर्गा हेडलाइंस के नाम से जानते हैं लोग। माशाल्लाह एक बेबाक मीडिया के एक अच्छे रिपोर्टर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक सच्चाई की आप है ना मीडिया पे है ना हकीकत सुनाते हैं लोगों को। हमको खुशी होती है कि न्यूज़ सुनने के बाद के कुछ भी हादसा हुआ या कुछ चीज़ें अच्छे बुरे जो भी चीज़ें मालूम होते हैं तो हमारे वसीम भाई से मालूम होते हैं। गुलबर्गा में और भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर एक वसीम भाई का एक जो है ना गुलबर्गा हेडलाइंस से अच्छा नाम जाना जाता है और तकरीबन है ना एक जो सच है वो सामने लाते हैं लोगों का, बड़ी खुशी की बात है। मैं मुबारकबाद फिर देता हूँ हमारे वसीम भाई को, अल्लाह उनको खूब तरक्की करे और अच्छा नाम रहे ज़िंदगी भर और अल्लाह उनको खुश रखे और हयाती रहे। जो वसीम भाई गुलबर्गा हेडलाइंस उनका बर्थडे है और इस मौके पर मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और गुलबर्गा हेडलाइंस के नाम से वो जो है सच्चाई पेश करते हैं लोगों के सामने, वो बहुत बड़ी बात है और मैं उनको जो है आगे तरक्की कर कर गुलबर्गा हेडलाइंस एक टीवी चैनल उन्होंने ओपन करें, इस हद तक वो आगे बढ़े मैं मुबारकबाद देता हूँ।